हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज हम ट्राई करेंगे डोसा, तो कुछ अलग तरह का है। यहाँ पर सिर्फ आपको डोसा ही मिलेगा, तो ये है श्री साईनाथ फैंसी डोसा। यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप से डोसा को बनाया जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे बन रहा है मसाला डोसा। तो मसाला डोसा सिर्फ यहाँ पे, जो भी ये तवे हैं तो इन पे सिर्फ मसाला डोसा ही बनेगा। और यहाँ पर बन रहा है मैसूरी डोसा, तो पीछे जो तवे हैं वहाँ पर आपको प्लेन जो डोसा होते हैं वो बनेंगे, और मैसूरी इनका अलग से प्रिपेयर होता है। जैसे कि पाव भाजी बनाते हैं उस तरह से आप देख सकते हो, अलग अलग जैसे वेजिटेबल्स डाल दिए हैं, मसाले डाल दिए हैं और सब चटनी वगैरह डाल के फिर इस तरह से ये पूरा इसका ग्रेवी जो होता है मैसूरी डोसा में, तो वो ये प्रिपेयर करते हैं। तो अगर आप खाने के शौकीन हो तो इस तरह के काफ़ी वीडियोस चैनल पर आपको मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट के मिल जाएंगे, स्ट्रीट फूड के मिल जाएंगे। और अगर आप ट्रैवल के शौकीन हो तो ट्रैवल्स के वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएंगे। तो सूरत के अंदर अलग अलग जो फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, कैसे होते हैं, उसके वीडियोज़ भी आपको चैनल पर मिल जाएंगे, तो अगर चाहो तो आप देख सकते हो। तो मैसूरी की ग्रेवी कुछ इस तरह से यहाँ पर तैयार होती है, और साइड में इनके साथ में जो सर्व होते हैं प्लेन डोसा, तो वो अलग से यहाँ पर प्रिपेयर होते हैं। उसका प्रिपरेशन भी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से ये बनाते हैं। वो तो सिंपल ही होते हैं, पर वो ग्रीन लहसुन वगैरह डाल के, ग्रीन प्याज लीव्स डाल के पूरा अच्छे से बनाते हैं। तो ये देख सकते हो आप, पाव भाजी की तरह कुछ पूरा ग्रेवी बना दिया है इन्होंने, और बहुत सारा बटर भी डाला है। तो यहाँ पर मैसूरी पुला ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, तो पीछे डोसा बनना स्टार्ट हो गया है, जो प्लेन डोसा सर्व होगा इसके साथ में। तो इसमें आप प्लेन मैसूरी डोसा लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, बटर वाला लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो। यहाँ की एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पर सांभर सर्व नहीं होता है, तो आपको यहाँ पर दाल नहीं मिलेगी डोसा के साथ में, सिर्फ चटनी ही मिलेगी, और वो चटनी भी कोकोनट और जो दाना मूंगफली के आते हैं उससे बनाई जाती है, वो कुछ इस तरह की चटनी होती है। और ये आप देख सकते हो प्लेन डोसा भी कुछ इस तरह से बना के देते हैं। यहाँ पर हरा प्याज डाला गया है बारीक काट कर, और फिर जो मसाले हैं बटर, इस तरह से कुछ बनता है पूरा। यहाँ पर रेडी हो चुके हैं मैसूर वाली भाजी, तो इनको सब में प्लेट्स में सर्व किया जाता है, और जितने ऑर्डर आते हैं उसी हिसाब से ये पूरी बनती है, एकदम फ्रेश ये बनाते हैं। और यहाँ पर और ऊपर से बटर डाल दिया गया है, और वहाँ पर डोसा भी रेडी हो गया है। और ये देख लीजिए आप इनका मेन्यू, तो कुछ इस तरह से प्राइस रेट आप पॉज करके पढ़ लेना, काफ़ी रिजनेबल प्राइस है। तो ये आ चुका है हमारा डोसा, तो यहाँ पर ये मैसूरी सब्जी है और प्याज दिया सैलेड में, और जो चटनी मैंने आपको बताई थी सिंगदाना और कोकोनट वाली, तो वो वाली चटनी है। सांभर ये नहीं सर्व करते हैं, तो ट्राई करते हैं कैसा है। किसी को सांभर के बिना चलता है तो वो आकर यहाँ पर ट्राई कर सकता है, खाने में अच्छा था। और यहाँ मेन रोड के ऊपर ही आपको ये मिल जाता है। तो वीडियो देख के कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, वीडियो पसंद आता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर लेना चैनल को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।